हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वी लोग। रिसेंटली एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमने ई स्टैंडर्ड वाली वेबसाइट पर कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं और उसकी डीएससी को हम कैसे मैप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके डीएससी एक्सपायर हो चुके हैं तो उसको रिन्यू हम कैसे करेंगे, और मैपिंग करते टाइम नई डीएससी को अगर पुराना डीएससी और नया डीएससी में जो सिग्नेचर हैं वो दोनों मैप हो जाएं तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइनिंग के दो सर्टिफिकेट एनरोल्ड हैं, दो सर्टिफिकेट मैप किए गए हैं, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट आज ही एक्सपायर हुआ है, जबकि एनसिफरमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो 5 मार्च को एक्सपायर होना है, और एक जो डीएससी रिन्यू करवाने के बाद हमने नया बनवा लिया है जो 2 साल के लिए वैलिड है, ये 2026 तक का साइनिंग सर्टिफिकेट है। अगर आप कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाए कि साइनिंग सर्टिफिकेट आपका नए वाला मैप हो जाए और एनक्रिप्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो पुराने वाला रह जाए, तो ऐसे किसी केस में हमें अनमैप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती एनआईसी वालों से। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर पुराने डीएससी हैं वो एक्सपायर नहीं हुए हैं और आपको अगर नए डीएससी को मैप करवाना है तो पहले पुराने वाले को अनमैप करवाना पड़ता है। उसके लिए जब आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो यूजर क्रिएशन की पीडीएफ होती है, जैसे 10वें नंबर पर यूजर क्रिएशन की है, इसी तरीके से 17 नंबर पर है फॉर्म फॉर डीएससी डीएक्टिवेशन फॉर बिडर्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म बिडर्स और डिपार्टमेंट यूजर के लिए कॉमन ही होता है। इस फॉर्म को फिल करके आपको अपने डिपार्टमेंट के लेटर हेड पे भेजना है, ये एनआईसी वालों को ईमेल करनी है। ईमेल वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। जब आप राइट साइड में कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएंगे। तो इस फॉर्म को फिल करके जब आप ईमेल कर देंगे तो आपके पुराने डीएससी अनमैप हो जाएंगे और फिर आप नए डीएससी को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर, जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई ऐसा केस है कि साइनिंग सर्टिफिकेट नए मैप हो जाए और एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट पुराने रहे, तो उसके लिए आपको अनमैप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनआईसी वालों से। उसके लिए अपनी आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में माई अकाउंट्स का ऑप्शन है, माई अकाउंट्स पर क्लिक करें। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करें। इसके बाद यहां से आप देख सकते हैं जो भी आपके पुराने डिजिटल सिग्नेचर हैं, यहां से वैलिडिटी चेक कर लें, उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इनएक्टिव कर दें। तो इस तरीके से आपके पुराने वाले जो सर्टिफिकेट हैं एनक्रिप्शन के वो अनमैप हो जाएंगे और फिर आप एनक्रिप्शन के लिए भी दोबारा से मैपिंग कर सकते हैं। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अब सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिखा रहा है साइनिंग के लिए। अब आपको एनक्रिप्शन वाला या फिर एनसिफरमेंट वाला जो सेकंड सर्टिफिकेट है वो मैप करना है। जब आप साइनिंग सर्टिफिकेट से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही ये शो कर देगा कि एनसिफरमेंट सर्टिफिकेट को एनरोल करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो होंगे सर्टिफिकेट। अगर आपका जो डीएससी है वो कॉम्बो है तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, अदरवाइज अगर यहाँ शो नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपका जो डीएससी है वो कॉम्बो नहीं है, मींस शाइनिंग और एनक्रिप्शन दोनों उसमें नहीं है सर्टिफिकेट। तो इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें, ये आपके जो नए सर्टिफिकेट हैं ये मैप हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस था रिन्यू करवाए गए डीएससी को मैप करने का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।